पाप ही वास्तव में हमारे दुख का वास्तविक कारण है। संसार में जीव जो है, जो भी दुखी हो रहा है ना, उसका कारण क्या है? पाप है। और पाप क्यों होता है? पाप होता है अविद्या के कारण। अविद्या क्या? अज्ञानता, कि हम अपने आप को भूल गए ना, तो हम शरीर समझ के उसके अनुसार कार्य करते हैं। और क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए भौतिक इच्छाएं आती हैं। ये श्री भक्ति रसा अमृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि अविद्या के कारण पाप होता है, और पाप के कारण जो है वो हमें अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले विद्या अविद्या को खत्म करने के लिए गुरु स्वीकार करके माया के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से छूटने का प्रयास करता है।